साथियों हम पहुंच चुके हैं, गैस करो, हम मनाली पहुंच चुके हैं। और ये देखिए कितना बड़ा पेड़ है, हजारों साल पुराना, बहुत बड़ा। और ये हडिम्बा टेंपल जो कि घटोत्कच, जो कि आपने महाभारत में सुना होगा, उनकी माता का नाम हडिम्बा था। और ये प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर हडिम्बा माता का, और यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़। हेलो हेलो, और यहाँ पर कन्फ्यूज आत्मा, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। और नेचर, हम लाइन में लग चुके हैं, हडिम्बा माता का मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा पुराना मंदिर है। हेलो हेलो हेलो, जय माता दी, लेट्स गो। काफ़ी पुरानी स्कल है, ये किसी हिरण के हो सकता है या कोई भी, ये बारहसिंगा। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो जहाँ तक है वहाँ तक आपको मैं दिखाता हूँ। सामने कितने पुराने पेड़ हैं, जरा मंदिर का इतिहास पढ़ाते हैं। मंदिर का इतिहास, देवी हडिम्बे का समर्पित पैगोडा शैली का ये प्राचीन मंदिर है। सन 1553 ईस्वी में कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने बनवाया था। प्राचीन कथा के अनुसार हडिम्बा महाभारत काल में विशेष कार्य की पूर्ति के लिए राक्षस कुल में पैदा हुई थी। यह अपने भाई हडिम्ब के साथ रहती थी, जो कि बहुत बलशाली था और सारे क्षेत्र में उसकी दहशत थी। जब पांडवों के अज्ञातवास के समय भीम व हडिम्बा का मिलन हुआ तो हडिम्ब को कतई पसंद ना था, जिसके विरोध स्वरूप उसने भीम को युद्ध के लिए ललकारा। कई दिनों तक युद्ध के बाद मतलब भीम ने उसे मार गिराया। इसके पश्चात माता कुंती का सेवा से भीम और हडिम्बा का विवाह हुआ। इस शर्त पर हुआ कि भीम केवल संतान होने तक हडिम्बा के साथ रहेंगे, उसके बाद अपने भाई और माता संग चले जाएंगे। तो आप ये पूरी पढ़ सकते हो। गिरेगी वो, गिरेगी वो।
अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमें लेह तक पहुँचना है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते एक जगह पर। तो दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं और अभी रोहतांग भी जाना है, तो अभी होटल भी देखना है, आगे रूम बुक करने हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि मनाली से हम जितना आगे निकल सकें उतना हमारे लिए अच्छा होगा कल सुबह के लिए, क्योंकि मनाली में फंस सकते हैं, जाम भी लग सकता है, इसलिए हम आगे निकल रहे हैं शाम को। तो आगे की अपडेट देता रहूँगा, फ़िलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं मंदिर से। और ये मंदिर अंगूरा वैरायटी, तो इसका फार्म कहाँ पे है यहाँ पे आंटी? इसका फार्म कहाँ पे है यहाँ पे? वो नीचे है कुल्लू वाली तरफ या? अच्छा कुल्लू वाली तरफ। और ये 9 महीने का है? बैठना यहाँ पे। ये याक है और ये यहाँ का मतलब बैल टाइप में, मान लो बैल होता है। अब हम जा रहे हैं मनाली से टूर रोहतांग की तरफ, सुबह रोहतांग जाएंगे, मतलब बीच रास्ते में जो भी हमें रास्ते में कोई भी होटल मिलेगा वहाँ पर रुकेंगे स्टे के लिए, और फिर सुबह रोहतांग के लिए निकलेंगे। और मार्केट में मतलब रश है इतना, मेन मार्केट में काफ़ी है, यहाँ पर भी बाइक काफ़ी है, मौसम बिल्कुल ठंडा होना स्टार्ट हो गया है। और आप देख सकते हो हमें यहाँ पर एक होम स्टे के लिए मिला है, और सस्ते में मतलब 1500 में हमें 2 रूम मिल गए इधर, और सामने वाले में 1500 में 1 रूम मिल रहा था, बट उसमें वो गद्दे दे रहे थे और ये देखिए कितना प्यारा व्यू है। हम रोहतांग वैली की और मतलब 3-4 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं गुलाबा यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है, और ठंड बढ़ना स्टार्ट हो गई, अब हम पैक भी होना स्टार्ट होंगे धीरे धीरे। और ये हमारा रूम, और ये हम, और ये हमारे भाई साहब। कितने किलोमीटर चले आज हम? 450 किलोमीटर किया है, वो भी बड़े मज़े से, रुक रुक कर, कभी मनाली में रुके और हम मनाली कितने बजे पहुँचे? 4 बजे है ना? 4 बजे हम मनाली पहुँच गए थे, और करीब करीब 4:45 बजे हम शंभूवाला से निकले हैं, और 5 बजे करीब हम, और एक रूम हमारा ये है, और बिल्कुल सस्ते रूम हैं, 1500 रुपये में हमने 2 रूम बुक किए हैं। तो
बाकी ब्लैंकेट थोड़ी वो दूसरी देंगे अभी, ठीक है, क्योंकि हम मनाली से बहुत आगे आए हैं, करीब करीब 15 किलोमीटर आगे, रोहतांग के जितना हम करीब जा सकते थे हम उतना करीब गए हैं। इससे आगे होटल नहीं मिलता तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि रात को ठंड बहुत होती है। नहाने के बाद अब कुछ राहत मिली है, मतलब फेस बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि जो खड्डे भरे हुए थे सारे खड्डों से मैल निकल चुकी है और खड्डे बिल्कुल साफ हो चुके हैं, और ये पर्दे के पीछे एक भूत छिपा है, पर्दे के पीछे भूत छिपा है और मच्छर भी घूम रहा है। ओह माय गॉड, ये भूत बाहर आया है, इसको मच्छरों ने पकड़ा होगा पक्का। सुबह के 5 बज चुके हैं और हम निकल रहे हैं, हम चल रहे हैं, और ये बाहर का नज़ारा, और हमारे भाई साहब रेडी हैं चलने के लिए, पूरी तरह से धुंध हावी हो चुकी है। और बिल्कुल ही फॉग है, आगे का रास्ता खराब बताया जा रहा है धुंध की वजह से। काफ़ी लो विजिबिलिटी है, होप जल्दी से आधे घंटे या एक घंटे में मौसम थोड़ा क्लियर हो, कल तक मिलते हैं। अरे भगत जन चाय का प्रसाद लेते हुए सुबह सुबह आगे का सफ़र बहुत ही सुहाना था, रोमांच से भरा था, और काफ़ी मुश्किलों भरा रास्ता था, और उसके बाद के जो नज़ारे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो चुका है और छोटे छोटे स्टेप्स में मैं आपको पूरी यात्रा दिखाऊंगा। वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।